अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल जी के सुझाए गए कई कार्यक्रमों को जमीनी स्तर पर सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई है। अटल जी की सोच देश के हर नागरिक को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की रही। मौजूदा सरकार भी उनके ही पदचिन्हों पर आगे चल रही है। अटल जी चाहते थे कि भारत एक बार फिर जगत गुरु की भूमिका में आगे बढ़े। आज भी तमाम कोशिशें इसी दिशा में हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, शहरी और आवासन मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी इस अवसर पर यहां मौजूद हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी इस अवसर पर मौजूद हैं। अटल जी के परिवार के सदस्य भी इस अवसर पर मौजूद हैं। अटल जी से जुड़े हर लोग समझते हैं, जानते हैं कि वो कितने महान व्यक्तित्व के धनी थे। वो जनता की बातों को ध्यान से सुनते थे और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने का भरपूर प्रयास करते थे। उनके कार्य राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण को दिखाते थे। कई अवसरों पर उन्होंने सृजन के बारे में अपने विचार रखे। एक हाथ में सृजन, दूसरे में हम प्रलय लिए चलते हैं। सभी कीर्ति ज्वाला में जलते, हम अंधियारे में जलते हैं। आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो, राष्ट्रभक्ति का ज्वार न रुकता, आए जिस जिस की हिम्मत। अटल जी कहते थे कि भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय इसका मस्तक है, गौरी शंकर शिखा है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, विंध्याचल कटी है, नर्मदा करधनी है, पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण हैं, सागर इसके पग पखारता है, पावस के काले काले। और इस बीच माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आगमन अटल जी की समाधि सदैव अटल पर होता हुआ। माननीय राष्ट्रपति का अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ में गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं और तमाम गणमान्य लोग हैं। आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है और उनकी जयंती के अवसर पर नई दिल्ली स्थित उनके समाधि स्थल सदैव अटल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पूरा राष्ट्र आज उन्हें याद कर रहा है और अपने अपने ढंग से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। वाजपेयी का राजनेता रूप बड़ा था या साहित्यकार रूप, ये चर्चा शोधार्थियों के लिए अच्छा विषय है, पर उन्होंने इन दोनों क्षेत्रों में समन्वय कर अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया था। प्रधानमंत्री के लिए अटल जी को याद करना अपने गुरु को याद करने जैसा है, अपने पिता को
श्रद्धा सुमन अर्पित करने जैसा है। अटल जी एक व्यक्ति नहीं बल्कि अपने आप में एक ऐसी महान संस्था थे जो गंगा की तरह हिमालय की विभिन्न नदियों और धाराओं को अपने पन से समाहित कर जीवन के संघर्षों से तप कर सागर की तरह अथाह हो गए। यह अथाह सागर अपने पीछे ऐसी अमिट छाप छोड़ गया जो प्रेरणा का अतुलनीय महान स्रोत भी है और विभिन्न विचारधाराओं को सम्मान करने का मन मस्तिष्क भी। अटल जी को नमन कर आज भी उनके पदचिन्हों पर चलने का प्रयास लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी। अटल जी की दत्तक पुत्री नमिता और उनके परिवार के सदस्य। अटल जी के सहयोगी और वरिष्ठ राजनेता विजय मल्होत्रा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। अटल जी राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने के संकल्प के साथ राजनीति में आए और उसका प्रकटीकरण और परिस्थितियों के मुताबिक नवीनीकरण भी उन्होंने समय समय पर किया। अटल जी ने भारतीयकरण को नई परिभाषा से गूंथा। वे मानते थे कि परायों को अपना बनाने का नाम है भारतीयकरण, परकीय को स्वकीय का स्वरूप देने का नाम है भारतीयकरण। ये कार्य अनादि काल से चला आ रहा है और ये यज्ञ अनंत काल तक चलेगा।
जिस प्रकार भारतीयकरण का संबंध एक वर्ग से नहीं संपूर्ण समाज से है, उसी प्रकार भारतीयकरण की परिधि में जीवन का केवल एक अंग नहीं समग्र जीवन आता है। और यहां जो तमाम लोग उपस्थित हैं वो कहीं ना कहीं अटल जी के जीवन से, उनके सिद्धांतों से प्रेरित हैं और उनके बताए रास्तों पर ही आगे चल रहे हैं। इस अवसर पर श्रुति माथुर और उनके सहयोगी भजनों के माध्यम से अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। दिव्यांग श्री चंद्रवीर जी संगीत में श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे श्रद्धेय अटल जी को, और अब सुकृति एवं अविरल माथुर संगीत में श्रद्धांजलि प्रस्तुत करेंगे। आप बीजेपी प्रदेश दिल्ली के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के सह संयोजक हैं। ओम भारत रत्न श्रद्धेय अटल जी को सादर नमन एवं आप सभी को सादर प्रणाम। प्रस्तुत है राम भजन। जी मैंने राम रतन धन।
वेग भजन जो अटल जी को भी बहुत प्रिय था, इसमें उस परमपिता परमेश्वर के ईश्वर के कई नामों का हम सुमिरन करें। कौन कहते भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन
कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, 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 माया शोदा के जैसे सुलाते नहीं, माया शोदा के जैसे सुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, नाम जपते चलो काम करते चलो, नाम जपते चलो काम करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान 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 करते चलो। संगीत में श्रद्धांजलि श्रद्धे अटल जी को दी गई। इसके साथ ही प्रार्थना सभा का ये कार्यक्रम समाप्त हो रहा है। भारत श्रद्धे अटल जी के हमेशा मन में रहा, भारतीयता तन में। माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अटल जी को आज उनके जन्म जयंती के अवसर पर समाधि स्थल सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। भजन गायिका श्रुति और उनके सहयोगियों ने उनको भजनों के माध्यम से श्रद्धांजलि दी और अब माननीय प्रधानमंत्री स्वयं जाकर संगीत साथी जो श्रुति के सहयोगी टीम के सदस्य हैं उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति, अटल जी के परिवार के सदस्यों, उनकी दत्तक पुत्री नमिता और बाकी लोगों से बातचीत करते हुए अटल जी ने अपने नाम की तरह कई क्षेत्रों में अटल रेखाएं खींची जो उनके व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों को कड़ी के रूप में जोड़ती थी। जो कल था वो आज नहीं और आज है वो कल नहीं रहेगा, लेकिन मां भारती सदैव गर्व से महकनी चाहिए। वे प्रखर राजनेता के साथ कुशल प्रशासक और कवि हृदय थे। देश को आगे ले जाने की जिस सोच के साथ अटल जी ने अपने कदम बढ़ाए थे उन्हीं को
और दूर तक ले जाकर भारत को न्यू इंडिया बनाने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री का है। अटल जी मानते थे कि भारतीय लोकतंत्र ऊपर से जितना जीवंत दिखाई देता है, भीतर से भी वो उतना ही सबल और शक्तिशाली है। माननीय राष्ट्रपति का प्रस्थान होता हुआ समाधि स्थल सदैव अटल से, राजनीत अटल जी की कर्म भूमि बनी तो उनके मन में लेखन भी बसता था। राजनीत और लेखन के मिश्रित और उसके संतुलन के स्वर उनके कई भाषणों में, उनकी कविताओं में नजर आता है। कई गणमान्य अतिथि, भारतीय जनता पार्टी के जुड़े कार्यकर्ता, नेता और आम जनमानस अटल जी को याद कर रहा है। वो भले ही आज हमारे बीच न हो, लेकिन उनके सिद्धांतों के माध्यम से, उनके जीवन मूल्यों के जरिए उनसे सीखने की ललक आज भी लोगों में कायम है। शाहनवाज हुसैन, उन्होंने वाजपेयी जी के साथ काम किया, उनसे राजनीति के गुर सीखे और जनसेवा कैसे की जाती है, सच्चे अर्थों में अटल जी ने उसे परिभाषित किया और अपने जीवन में उसे करके दिखाया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्त, वे सत्य को सहजता से स्वीकारते रहे और सहजता को उन्होंने सत्य के साथ अभिव्यक्ति दी। आज भले ही अटल जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके दिखाए मार्ग, विचार और सोचने का ढंग हमें निरंतर उदार और सहज बनाने की प्रेरणा देता रहता है। संत समाज भी इस अवसर पर उन्हें याद कर रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। कविताओं के माध्यम से तो अटल जी ने अपने अंतर मन की वेदना संवेदना को व्यक्त किया। उदार मन से किसी को स्वीकारना उनकी सहजता का जीवंत उदाहरण है, जो विरोधी को भी उनकी तरफ खींचते हुए प्रशंसक बनाए बिना नहीं रहता। अटल जी ने कई योजनाएं शुरू की जो इस देश को नई दिशा देने में अहम साबित हुई। उन्हीं में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, सर्व शिक्षा अभियान और भी इसके साथ साथ कई कल्याणकारी योजनाएं रहीं। देश के 3 बार प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने हिंदी को बढ़ावा देने में भी अहम भूमिका निभाई। वो 7 समंदर पार हिंदी को प्रतिष्ठित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब कोई 7 समंदर पार हिंदी का वैभव रथ ले जाता है और प्रलय की छाती पर रख पैर गीत प्रेम के गाता है, वो नाम अटल कहलाता है, वो नाम अटल कहलाता है। माननीय राष्ट्रपति का प्रस्थान सदैव अटल से होता हुआ, अटल जी सामान्य जन की तकलीफों को दूर करने के लिए किसी भी स्तर तक झुक सकते थे, तो वहीं देश के सम्मान के लिए हिमालय की तरह अटल भी थे। साहसिक निर्णय लेने की उनकी क्षमता ने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाया। वे स्वभाव से शांतिप्रिय व्यक्ति थे, लेकिन करगिल युद्ध के समय पूरे विश्व ने उनके नेतृत्व में देश की दृढ़ता और पराक्रम को भी देखा। ये अटल जी का सामरिक, राजनीतिक और कूटनीतिक कौशल ही था जिसने भारत को विश्व के अग्रणी राष्ट्रों की पंक्ति में
मजबूती से खड़ा कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्थान सदैव अटल से होता हुआ